साल था 2006, उत्तर प्रदेश के अंडर 19 ट्रायल में एक पेसर को सिलेक्ट नहीं करते हैं और वो पेसर डिसअपॉइंट होकर बैठ जाता है यार स्टेशन पे जाके अपने घर जाने के लिए। और जब वो ट्रेन में बैठता है और ट्रेन में अपने कोच से बोलता है कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा यार, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। कोच लेकिन उसका बोलता है नहीं यार कोई बात नहीं, यहाँ नेता नगरी कोई बात नहीं, आप क्रिकेट खेलते रहो। उसी टाइम कोच के पास एक फोन आता है बंगाल से और बंगाल में एक क्लब को जरूरत थी एक पेसर की, तो उसका कोच बोलता है जा क्रिकेट खेलना यहाँ चालू करो। उसी टाइम सौरव गांगुली इंडियन टीम में कमबैक के लिए प्रयास कर रहे थे और वो नेट बॉलर्स डेली बुलाते थे ईडन गार्डन प्रैक्टिस करने के लिए। और वहां पर जैसे ये बॉलर बॉलिंग करता है गांगुली को जाके, गांगुली बीट होते हैं तो पिच पे जाते हैं, पिच को देखते हैं कि पिच की वजह से हो रहा है क्या सी मूवमेंट है यार, वो पिच की वजह से नहीं हो रहा था, वो बॉलर में इतनी एबिलिटी थी। अब भैया ये बॉलर कौन था? ये था मोहम्मद शमी। और पूछते हैं कहां से खेल रहे हो? बोल रहे अंडर 22 खेल रहा हूं मैं तो यार। तो दादा बोलते हैं, नाराज होते हैं कुछ बंगाली में बुदबुदाते हैं और फोन लगाते हैं सिलेक्टर्स को। नेक्स्ट दिन बंगाल की रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हो जाता है मोहम्मद शमी का। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी एग्जांपल में